हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोग यहां पर जैसे ही इस फॉरेक्स वाले चार्ट पर इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, इस तरीके से एक ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए, तभी फिर आप लोग अपसाइड का ट्रेड प्लान करना। वैसे केस में आपको एसएल इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग रखना है, मतलब ये ऐसा वाला रेड कैंडल यहाँ सस्टेन होगा तो हमारा डाउनसाइड का व्यू, ठीक है। ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अभी मार्केट डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया है, छोटी सी स्कैल्पिंग इसी ग्रीन कैंडल को लेकर आप करना हो तो कर सकते हो। अदरवाइज जैसे ही इस एरिया के पास इस तरीके से ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाता है, ठीक है, फॉरेक्स वाले चार्ट पर ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाता है, वैसे केस में आपको ये वाली रेड कैंडल एसएल लेना है। इंडियन मार्केट का ये रेड कैंडल एसएल के साथ आपको अपसाइड का ट्रेड प्लान करना है। आपका यहाँ से अपसाइड का क्या टारगेट हो सकता है, तो टारगेट आपको इंडियन मार्केट के लेवल के अकॉर्डिंग हो जाएगा, मतलब फाइनल टारगेट आपको इस एरिया तक के लिए मिल सकता है। तो ये तो हो गया कि चलो एक मूवमेंट दिखाया तो आपको इस 256.4 एरिया तक का टारगेट देगा, लेकिन बीच बीच में आपको इस एरो के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बुक करना होगा। फॉरेक्स मार्केट में भी आपको इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ही एसएलआर टारगेट लेना होगा, ठीक है। और फॉरेक्स में भी आप लेवल मार्क कर लो 3.043, ठीक है। मतलब अगर ऐसी ग्रीन कैंडल बनी देन ये मूवमेंट इस एरिया तक के लिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों को, जैसे कि सबसे पहले जो पहले पहुंचा, सपोज दैट फॉरेक्स सॉरी इंडियन मार्केट में आपका इस तरीके से ग्रीन कैंडल बनाता हुआ पहुंच गया अपने लेवल के पास, ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट में अभी यहीं पर कहीं है मार्केट, ठीक है। वैसे केस में जैसे इंडियन मार्केट में यहां पर इस तरीके से रेड कैंडल दिखेगा तो मार्केट यहां से फॉल कर जाएगा, और फॉरेक्स मार्केट में ये अपने लेवल के पास ना जाकर यहां तक भी नहीं पहुंचेगा और ये यहीं से फॉल कर जाएगा, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में भी इस एरिया के पास सपोर्ट ले चुका है, क्योंकि इंडियन मार्केट में सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, जैसे ही अगर इस एरिया में रेड कैंडल बनता है, पहले अगर पहुंच गया इंडियन मार्केट का कैंडल लेवल के पास और यहां जाकर रेड कैंडल बन गया तो मार्केट यहां से फॉल कर जाएगी, और वैसे केस में फॉरेक्स मार्केट भी फॉल ही कर जाएगी, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और शाम को M6 मार्केट के लिए लाइव ज़रूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।